अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TRK न्यूज़ की नशरियात में आपका खैर मकदम है। उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हवाले से। नाज़रीन, काजीगुंड में आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर खसखस की काश्त को जब्त किया गया है। जरा इसे बात करते हुए SSP ANTF के राजकुमार का यूँ कहना था। मैं SSP ANTF जम्मू एंड कश्मीर राजकुमार। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये रिगार्डिंग यस्टरडे हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें एक इनोवा गाड़ी PB08CP0517 काजीगुंड में इंटरसेप्ट किया और इसकी सर्च की। ड्यूरिंग सर्च 32 पैकेट्स ऑफ पापिस्ट्रा आर रिकवर्ड एंड बोथ द स्मगलर्स अमनदीप सिंह एंड मनोहर सिंह रेजिडेंट्स ऑफ गुरदासपुर पंजाब आर अरेस्टेड ऑन स्पॉट एंड द इन्वॉल्व व्हीकल इज सीज्ड। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन टू द मैटर इज गोइंग ऑन। बोथ द स्मगलर्स आर रनिंग दिस गैंग इंटरस्टेट एंड आई विल लाइक टू मैंशन दैट ANTF जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड 5 केसेस इन लास्ट 1 month। 4 केसेस आर रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन ANTF जम्मू एंड 1 केस इज रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन ANTF कश्मीर। 3 केसेस रजिस्टर्ड सो फार आर ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी एंड 2 केसेस आर ऑफ इंटरमीडिएट क्वांटिटी। ANTF इज trying to investigate forward and backward links involved in these cases, and moreover ANTF is a specialized in attachment of property which is proceed of this narco smuggling. So hamara police station Jammu aur police station Kashmir is last 1 month mein kafi acha kaam kiya hai, aur hum general public se ye appeal karna chahte hain कि आप हमें जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी को जड़ से उखाड़ें और ज्यादा से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो पाए। शहर श्रीनगर के गोजवारा नवहट्टा इलाके से ताल्लुक रखने वाले मकामी लोगों ने आज इलाके में स्मार्ट मीटर्स की तंसीब के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज किया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल मर्द खवातीन का कहना था कि वो हरगिज भी महकमा PDD को इलाके में स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं देंगे। इस दौरान उनका क्या कुछ मजीद कहना था देखिएगा। पावर मीटर लागिख ना अथ पे जुलम अनु गरीबी अनि नाइ न छ कार त न छ की अंदर कान छ बिहत मसी पावर त अथ अनु जुलम हर कोने अनु जुलम वो कोर हर कह चीज बर्दाश्त मगर पावर बर्दाश्त ग कहें पावर बर्दाश्त खुलें बंद खंड बंद जाना जून तो क्यों जाल दान तो वन कत गुजार तूत करा वन मे कौर मे जानस तम मे खानदार अड़ लो कर मे खानदार क्या बीत अन मे खानदार कल बीत अन अना गरीबी जमीन मे जानस बे कर्न ये सुबह बीत तो बह कत तो बर फीस अहन क्या कर वन कहीं वन तुलव 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 कत मीटर तुलन तो बस यूत यूत मसल मीटर लागत सद लागत मीटर कनेक्शन तो दुक रात रात पे वो पावर बंद अब ये हूँ जानस तस् क्या भरो पे करो बेमार दारी घर मज हर कह चीज कौर बर्दाश्त मगर यह कौर बर्दाश्त यह गो न बर्दाश्त कहें पावर दरियसना इस्लामिया कॉलेज हवल श्रीनगर में भी स्मार्ट मीटर्स की तंसीब के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया, जिस दौरान एहतजाजी मुजाहरे में शामिल लोगों का यूं कहना था।
जुलम ज्यादती गंद तमुल गो इन वापसी अच्छे तमुल बकार कह आब तो पावर पान कम से कम तीन हवा तीम हवा तो सोन आब तो सोन पावर तो सोन अफ वाल 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 सोरी अच्छा बका यह आज तो जुलम अस पे पगह तुज वा जुलम गज बंद ग अत जनाब अगे मीटर रात पे इस्लामी कॉलेज पे बसा इस्लामी कॉलेज हवल इस्लामी कॉलेज बसा अगे जनाब मीटर गुजारिश कर गवर्नमेंटस क्या ये मीटर वीटर हटेतव यम तुल तव थे मेहरबानी कर जुलम रुपये पाँच हाथ जाना दोस अल वल जनाब अ पकानी अच्छा मुलाजिम तबक कह ये सोरे गरीब तबको मजूरी ये मजूर पूरे कश्मीर के लूकन अपील कर जम्मू कश्मीर पुलिस अपील कर मेहरबानी कर मीटर हटेतव अच्छे गरीब ये बसान सारे यप मखदूम सब चलान यप गोजवर कि बंद ये इस्लामी कॉलेज कि सोरे बंद जनाब मीटर हटा त्रो सोरे कहीं परेशानी अच्छा कि मीटर तुल तौर अपील कर गवर्नमेंटस जम्मू कश्मीर पुलिस मेहरबानी मेहरबानी ये किस अमामस मेहरबानी कर मीटर तुल तव थोद ये किरायस तो लूक पत बेचार खालन पे जो सास किराय दरस ये सो हिसाब लगो बल क्या करने तो मीटर बंद। वही कस्बे सोपोर के मकामी लोगों ने भी आज इलाके में स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया, जिस दौरान उनका क्या कुछ कहना था आइए आपको दिखाते हैं। गरीब महाराज कुन पावर दिवा लागान नाज़रीन। बैरूने मुल्क से भारत में दरामद किए जाने वाले सेबों पर अगर आज से कबल टैक्स लगाया जाता था, वही अब उस टैक्स को खत्म कर लिया गया है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर के किसान परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजारों में उनके मुताबिक उनके सेबों की मांग कम हो जाएगी। जीपीएपी के सीनियर लीडर शोपियान जावेद हकीम ने कहा कि जिस तरह से हमारे लीडर गुलाम नबी आजाद ने रियासती अराजी का मसला मरकजी हुकूमत के साथ उठाकर उसे हल कर दिया, वैसे ही उन्हें उम्मीद है कि वो ये मसला भी जल्द हल करेंगे। सर, हम जम्मू कश्मीर के खासकर कश्मीर के जो किसान हैं, हम लोग बहुत परेशान हुए हैं पिछले दो सालों से। कभी मौसम की मार हमें झेलनी पड़ी तो कभी मंडियों में गिरावट जो आ गई है हमारे सेबों में, तो आपने देखा है पिछले साल भी कितनी गिरावट हो गई है, और हमारी जो मईशत है वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हम जो भी काम करना चाहते हैं तो वो जब हमारे सेबों को रेट आती है बाहर की मंडियों से, तो हम लोग भी यहाँ खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज हम आपके माध्यम से ये बात अंदर मोदी जी तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हम किसान लोग जो हैं पिछले दो सालों से हम बहुत परेशान हुए हैं, और हमारी मईशत जो इन सेबों से जुड़ी हुई है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। आज मेहरबानी करके हमारी मईशत को बचा लीजिए। इल्तिमास से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कि जो ये 20% वे ऑफ करने जा रहे हैं इम्पोर्ट, जो ये फ्रूट आ रहा है फ्रेश फ्रूट जो इम्पोर्ट आ रहा है, और 20% वे ऑफ करना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए।
कि जिससे हमारी मतलब फ्रूट फार्मिंग जो यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रही है तो इससे बहुत धचका लगेगा। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पिछली बार ज़मीनों का मसला सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ उठाया, जिस तरीके से उसको रोका गया, उसी तरीके से मैं भरपूर उम्मीद रखता हूँ अपने कायद से कि ये ऐसा भी ऐसा हो जाएगा कि ये 20% बेवाह करने जा रहे हैं इम्पोर्ट इम्पोर्ट फ्रूट्स को, फ्रेश फ्रूट्स को, तो इंशाल्लाह रहमान ताकि हम जो फ्रूट इस वक्त मतलब जो हम इस वक्त फ्रूट की जो काम स्टार्ट है जो 2-3 महीने के बाद हार्वेस्ट हो जाएंगे उसके ऊपर बुरा असर इस साल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ताकि जो लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं उससे वो राहत की सांस ले। नाज़रीन, आज जियो भारत का इफ्तिताह श्री गुफ्फारा अनंतनाग में भी किया गया, जिस दौरान SHO श्री गुफ्फारा और दीगर मुतलका अफसरान मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए देखिए TRK न्यूज की ये रिपोर्ट। चला एयरटेल मैं पास लोग जियो चला मे बस असल फायदे तो मे आज मोबाइल फ्री गुजार जियो वाले मोबाइल के न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे आज जियो के बारे में। जी हाँ, जियो चलाने वाले के लिए खुशखबरी है। आज यहाँ पे जियो फोन भारत V2 4G को लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आज श्री गफारा के अंदर भी इनाग्रेशन की गई तौर पर इनाग्रेशन की है। इस मौके पे यहाँ पे जियो के जो मुलाजमिन हैं नासिर साहब और आदिल साहब की मौजूदगी में और इनका पूरा टीम यहाँ पर मौजूद रहा और इसकी इनाग्रेशन की गई है। HD वॉइस कॉलिंग, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, जहाँ पे ये कीपैड मोबाइल है और ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं यहाँ पे उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पे मैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वायरलेस FM रेडियो, 22 इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट, 1000 mAh बैटरी, SD कार्ड अप टू 128 GB। जी हाँ, इसकी कीमत भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 999 पर आपको ये मिल सकता है। ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही है वो कीपैड मोबाइल जिसको आज बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया है यहाँ पे जियो फोन भारत V2 4G। तो इसके बारे में मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, रिचार्ज आपको 1 महीने के लिए 123 डालना पड़ेगा, जिसमें आपको डेटा और कॉलिंग भी मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस मौके पर काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की है और 2 मोबाइल फोन्स बाज़ाब्ता तौर पर उनको फ्री में दिए गए हैं, जहाँ पे बिजबिहारा में 1 कस्टमर को फ्री में ये मोबाइल फ़ोन दिया गया है और श्री गफारा के अंदर वहाँ पे भी 1 कस्टमर को फ्री में ये मोबाइल दिया गया है। तो यहाँ पे खुशखबरी जियो के लिए, जो जियो चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। आज बाज़ाब्ता तौर पर ये इस मोबाइल को लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 4G मोबाइल है ये कीपैड मोबाइल, तो सब के लिए ये खुशखबरी है। अब इनको चाहे इसका लाभ उठाए, क्योंकि यहाँ पे आपको कम इसमें जो पैसे डालने पड़ती है, जिसमें आपको इंटरनेट के साथ साथ कॉलिंग भी मिल सकती है और आपको डेटा और वॉइस कॉलिंग भी मिलेगी। TRK न्यूज़ के लिए मैं बिजबिहारा अनंतनाग से अशरफ न्यंग। 177 बटालियन CRPF की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोपोर के तुलबल इलाके में मकामी लोगों के मफाद में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कैंप का इफ्तिताह बटालियन के कमांडेंट HK सिंह ने किया, जबकि मुफ्त तिबी कैंप में सैकड़ों मकामी लोगों ने शिरकत की, जिनमें मुफ्त मुशावरत के साथ साथ मुफ्त अदवियात भी तकसीम की गई। 177 बटालियन CRPF की तरफ से हुआ है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया है, लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती है और लोग चाहते हैं कि ऐसे कैंप हो जाए, 1 महीने 2 महीने बाद ऐसे कैंप, गरीब लोगों को राहत मिलती है। और ये जो CRPF की तरफ से एक और स्कीम है मददगार, उसमें भी लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारे पास आइए, हम आप जो भी सहायता हमारी तरफ से होगी वो हम करेंगे इस 177 बटालियन की तरफ से। और हम भी चाहते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो और ये हम उनका बहुत वेलकम करते हैं, हम उनका खुशामदीद करते हैं कि ये हम लोगों की हर तरफ से मदद करते हैं। आज 177 बटालियन का 7 हमारी कंपनियां डिप्लॉयड हैं सुपोर में, तो उसी तरह से हमने इस वर्ष प्लान किया था कि 7 जगह मेडिकल कैंप करेंगे, 6 जगह हम कर चुके हैं और ये 7वां कैंप हम लेकर आए हैं अपनी जातीय जगह, हमारी यहाँ कंपनियां डिप्लॉयड रहती हैं। हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कि जहाँ भी हम लोगों के साथ रह रहे हैं
ड्यूटी कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाने के लिए, तो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों के और में भी काम आए हैं। और इसी स्कीम के तहत हर वर्ष ये प्रोग्राम करते हैं। इस वर्ष भी 6 प्रोग्राम करने के बाद ये 7वां प्रोग्राम लेकिन लोगों के बीच आए हैं। लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, देखकर काफ़ी खुशी है और इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। भविष्य में भी हम इस तरह का प्रयास हमेशा करते रहे। सर, लोगों से हमने बात की है मददगार स्कीम, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार इस मददगार स्कीम को लेकर। हाँ, मददगार स्कीम काफी इफेक्टिव स्कीम है हमारी, जिसमें कि हमारा किसी भी क्षेत्र के लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती है तो अपना फोन कॉल करते हैं। फोन कॉल करने के बाद में जो हमारा ऑफिस श्रीनगर में उसको उनकी समस्याओं को सुनता है, समझता है और फिर हमारे थ्रू उसको मुहैया कराते हैं। उधर करना में सोमो यूनियन ने SRTC की बसेस चलाए जाने के खिलाफ चक्का जाम हड़ताल शुरू किया है, जिसे लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोमो यूनियन का कहना है कि इलाका छोटा है और कम आबादी होने की वजह से पहले ही सोमो गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात दरपेश थी और गुज़िश्ता 2 माह से सरकार ने कुपवारा और श्रीनगर से SRTC की बस सर्विस शुरू की है, जिससे उनका काम बेहद मुतासिर हुआ है। ढलानाड़ है और भड़वन है, ऐसे ऐसे इलाकों में हम समूह वाले जो आते हैं, और सर्दियों में आपको पता ही है कि हमें कितना मुश्किल होता है हमारी गाड़ियों को, 6 महीने हमारी सर्विस बिल्कुल बंद रहती है। ये अब सबको पता है, DC साहब को पता है, SDM साहब को पता है, हमारे तहसीलदार साहब को पता है, लेकिन आज हमें 2-3 महीने चलने के लिए मिलते हैं, इनमें इन्होंने हमारे को बसें लगा दी और फिर भी हम इन बसों का लबैक करते हैं। हम नहीं बोलते कि हमें बस नहीं चलनी चाहिए, बस सर्विस एक चलनी चाहिए, लेकिन ये लगाई थी गरीब लोगों के लिए। आप इस पर आप कभी भी कहीं भी आप मीडिया वाले भी देख सकते हो, उस पर जाके कौन गरीब बस पर बैठता है। ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं कि छोटी गाड़ी पहले ही चित्रकोट भेजते हैं, अमीर लोग चढ़ के उस पर बैठ जाते हैं, गरीब जैसे है वो हाथ उतर गए, बस नहीं खड़ी करते। पिछली बार आपने खुद सुना है कि खबर पूरी की है कि एक बस वाले को कपड़ा का 300 रुपये टिकट दिया था और टिकट वाले ने खुद अपने मुँह से तस्लीम किया था। उसके बाद हम SDM साहब के पास अप्लीकेशन छोड़ी, तहसीलदार साहब के पास अप्लीकेशन छोड़ी, तो हमने बोला सर एक बस हमें बंद कर दो और एक बस चले, वो भी उनकी 33 सीटर है, उस पर 133 जाता है। अगर आपको कोई डाउट है आप खुद मौके पर देख सकते हो 133 आदमी होता है उस पर यह नहीं होता है। और बस का जो मतलब समूह है उसमें केवल 7-8 आदमी आते हैं, उनको मतलब 2-4 घंटे सर में बंद किया जाता है। बस पे 150 आदमी होता है, जैसे जाती है थ्रू जाती है, जो हमारे जो समूह पे लोग जाते हैं 4-5 गाड़ी हमारी टोटली चलती है, वो भी उतर के बस में बैठ जाते हैं और समूह वाले ढंग से वापस हमारे सर पे बोझ। आपका मुतालबा क्या है, साधना टाप पे प्रेफरेंस ना दी जाए, ओवरलोड ना लिया जाए या बस सर्विस बंद की जाए? हमारी प्रेफरेंस ये है कि हमें 2 बसें, पहले तो हमारे को यही है कि 2 ही बसें बंद की जाए, अगर 2 बसें नहीं भी बंद होती हैं एक बस बंद की जाए और वो एक जो चले। लोगों का मुतालबा है कि जो विंटर के अंदर किराया लिया जाता है पैसेंजरों को, वो समर के अंदर भी लिया जाता है। जबकि अगर एक तरफ से ड्राइवर यूनियन जो है, जो सोमू की यूनियन है, एक तरफ से इनका मुतालबा ये है कि बस जो 2 बसें हैं उनको बंद किया जाए, मगर साथ साथ में जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आज आपको खुद भी पता है मजदूरी नहीं मिल रही है, उनका कहना यह है कि किराया भी मुनासिब होना चाहिए कुपवाड़ा का, श्रीनगर का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किराया तो जब विंटर में हमारी गाड़ी चलती क्या है, विंटर में जब थोड़ी सी बारिश भी होती है फिर भी हमारी गाड़ी को नो मूवमेंट की जाए, गवर्नमेंट ने हमारा हक ही छीन लिया, बसें लगा दी, तो हमें किराए के बारे में क्या करें? जब बस बंद हो जाए दोनों फिर चलो हम किराया कुछ ना कुछ नीचे ऊपर कर। फिर भी हमने श्रीनगर का जो हमने बोला स्टैंड टू स्टैंड का अगर 500 रुपये हमने रखा था, ये पिछली बार में आपने मुझे पूछा था, मैंने यही बोला था स्टैंड टू स्टैंड 500 रुपये हमने श्रीनगर के दे, लेकिन उसके बाद जो आगे हमें बस सर्विस चलानी पड़ती है, जैसे खुनूल जाना पड़ता है, हमामा जाना पड़ता है, उसके बाद देवन तक जाना पड़ता है, फिर ओमपुरा जाना पड़ता है, जैसे हमारे दूसरा जैसे हमारे अमरोही से आएगा वो तो 500 नहीं लगेगा, क्या उसको यहाँ 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अगर उसके बाद जो टंगनार स्टैंड से परमपुरा स्टैंड तक जाएगा उसको 500 रुपये बराबर लेंगे ड्राइवर, ये मेरा वादा है आपके साथ। मुतालबे हमारे एक तो बस बंद की जाए, एक उसमें और लोड नहीं जाए और सारे पे अपनी प्राटी भी जाए, तो हमारी कोई स्ट्राइक नहीं, इसलिए हमने अपनी खामोशी स्ट्राइक की है, कोई हमने दुकान भी नहीं बंद की है, कोई हमने नाराबाजी नहीं किया, हम चुप करके हमने बैठ गए, वो भी ड्राइवरों ने मतलब बिल्कुल आगे जवाब दिया, चाबी टेबल पे छोड़ के चले गए, तब मैं मजबूर होकर मुझे ये काम करना पड़ा। तो नाज़रीन फिलहाल इस उर्दू खबरनामे में इतना ही, मजीद खबरों के लिए TRK न्यूज़ देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।